चलो बजटरी कंट्रोल का डाउट है आ जाओ, जो पूछ रहा है सब पूछो है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बजटिंग ऑल एक्टिविटीज आर री इवैल्यूएट ईच टाइम द बजट इज प्रिपेयर्ड, बताओ। हर बार शुरू से किसमें करते हैं, हमने बजट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ा था ना बेटा, जहां शुरू से बजटिंग करते हैं, तो वही तो लिखा है फॉलोइंग मेथड बजटिंग ऑल एक्टिविटीज आर री इवैल्यूएट ईच टाइम अ बजट इज प्रिपेयर्ड। हर बार शुरू से जब हम बजट को देखते हैं तो वो कौन सा बजट कहलाता है, वो कहलाता है बेटा जीरो बेस बजट। अगला क्या है बताओ मेरे को, सॉरी 25 14 विच ऑफ द एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या था, आ गया था ये वाला, ठीक है नहीं स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, नाइनटीन सबको बता दे रहा हूं मैं जिसको नहीं किया। PQR लिमिटेड प्रिपेयर द बजट, पहली चीज तो आपस में बातें बंद करो। PQR लिमिटेड प्रिपेयर द बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स, कितने यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ द ओनली कमोडिटी मैन्युफैक्चर्ड बाय देम फॉर अ कॉस्टिंग पीरियड एज फॉलोस। क्या बोला उन्होंने, प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय देम फॉर अ कॉस्टिंग एज फॉलोस। सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ओवरहेड 60% फिक्स, एडमिन ओवरहेड 80% फिक्स, सेविलिंग ओवरहेड 50% फिक्स। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1.5 लाख, द रिवाइज बजटेड कॉस्ट पर यूनिट इज वेरी इजी। क्या बोला उसने, अच्छा देखना फिक्स जो रहता है वो टोटल के हिसाब से फिक्स होता है, किसके हिसाब से फिक्स होता है टोटल के हिसाब से। अब देखो रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, हाँ या नहीं, ये क्या है सेमी वेरिएबल, ये क्या है सेमी वेरिएबल, यानी 225 रुपए का 60% फिक्स्ड है, तो कितने परसेंट वेरिएबल होगा, 225 का 40%, 225 का 60% फिक्स्ड है तो 40% क्या होगा वेरिएबल, 225 का 40% निकालो इससे 90 क्या हो गया वेरिएबल, बोलो हाँ या नहीं। एडमिन ओवर 80% फिक्स है तो 20% वेरिएबल होगा, 20% कितना होगा मुझे बताओ 8, हाँ, और ये 50% वेरिएबल होगा तो कितना हो जाएगा 10, नहीं आया कि आया, सारी वेरिएबल कॉस्ट जोड़ लो, 252 प्लस 75 प्लस 10 प्लस 90 प्लस 8 प्लस 10, एक सेकेंड, ये पर यूनिट दिया है कि टोटल में दिया हुआ है, क्या है, हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स द ओनली कमोडिटी मैन्युफैक्चर्ड बाय देम कॉस्टिंग, अच्छा ये टोटल में है सॉरी, तो एक काम करो चलो ठीक है प्लस कर दिया, 252 प्लस 75 प्लस 10 प्लस 90 प्लस 8 प्लस 10 सबको प्लस किया 445 लाख, हाँ 445 लाख, ये कितने यूनिट्स के लिए था बेटा मुझे बताओ, 1 लाख यूनिट्स के लिए, ये भी लाख में है तो डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये भी 1 लाख ही है ना बेटा, 445 लाख डिवाइड बाय 1 लाख तो 445 रुपीज हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, और इनटू कितना, अच्छा पर यूनिट ही निकालना है अपन को ना, तो 445 ले लोगे राइट, अब फिक्स कॉस्ट निकालो कितनी लोगे मुझे बताओ, 225 का फिक्स पोर्शन निकालो, 225 का 60% कितना हो जाएगा 135, और क्या हो जाएगा ये 40 का 80% और 20 का 50% 10, सबको प्लस कर दो 135 प्लस 32 प्लस 10 लाख, अब ये क्या है फिक्स है, ये तो उसके लिए भी फिक्स ही रहेगा, बोलो हाँ या नहीं, पर यूनिट करने के लिए क्या कर दोगे डिवाइडेड बाय 60,000, ये क्या आ गई 177 लाख डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के लिए बोला उसने 60,000, एक सेकंड में करा दूंगा पूरा, पहले ये करो ना 177 लाख इंटू लाख करो ना इंटू 1 लाख कितना हो गया 295 और वो कितना था 445, दोनों को प्लस करो
जादू नहीं, अजूबा सही। आओ देखो बता रहे हैं, देखो 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 मैं शुरू से समझाता हूं। पहले वेरिएबल को उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल 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 राइट। इसका भी 225 का 60% जो वेरिएबल 40% जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल लिख लिया, एडमिन का जो 20% वेरिएबल होगा वो 20% लिख लिया, और 750% वेरिएबल हो वेरिएबल हो, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई जो कितनी आई थी तुम्हारी 445। क्या आई थी 445, बोलो हाँ या नहीं। सब वेरिएबल कॉस्ट है, ये 445 लाख है, कितने यूनिट्स के लिए, 1 लाख यूनिट के लिए। 1 यूनिट की कितनी होगी 445 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, हाँ लाख लाख कट गया, तो ये क्या हो गई 445 रुपीस पर यूनिट। नहीं आया कि आया, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, हाँ या नहीं फटाफट बोलो। हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, अब हमें क्या निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो अब फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, कितनी ले लो 225 का 60%, 40 का 80% और 20 का 50%, एम प्लस टोटल निकाल लो कितना आएगा, 250 का 60%, 40 का 80%, 20 का 50%, एम प्लस करके सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा मुझे बता दो। ये कितना होगा 40 का 80% कितना होगा 32, ये होगा 10, टोटल कितना आ गया 177। हाँ ये 1 लाख यूनिट के लिए कितना है 177 लाख कितना है, 1 लाख के लिए 60,000 के लिए कितना रहेगा, अरे क्यों डिवाइड करोगे 177 ही रहेगा ना, फिक्स कॉस्ट है बेटा। अरे कौन सी कॉस्ट है, 1 लाख यूनिट के लिए 177 लाख, तो 60,000 यूनिट के लिए भी कितनी 177 लाख फिक्स कॉस्ट है। नहीं आई कि आई, तो 60,000 यूनिट के लिए भी कितना रहेगा 1,77,000 या 177 लाख, हाँ अरे 177 लाख तुम्हें पर यूनिट निकालना है, तो 60,000 के लिए भी कितना ही है, पर यूनिट कितना हो जाएगा 177 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, हाँ यानी बताओ 177 लाख डिवाइड बाय 60,000। क्योंकि तुमने लैक्स नहीं लिखा था इसलिए मैंने 177 डिवाइड बाय 60,000 किया और ये पॉइंट में आया, क्योंकि लैक्स नहीं लिया तो इनटू 1 लाख करा दिया। तुम एक काम करो पूरा लिख लो 177 लाख, फिर से बोल देता हूं 177 लाख आ गया। ये कितने यूनिट्स के लिए, 60,000 के लिए भी यही रहेगा, पर यूनिट निकालने तो क्या करोगे 177 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, बस वही किया 177 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 कितना आ गया 295, 445 वेरिएबल कॉस्ट थी, 295 फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल प्लस फिक्स करके टोटल कर लिया, हाँ या ना फटाफट बोल। कौन सी बेटा, पहली चीज तो कुछ नहीं लिखा है तो वेरिएबल, और रॉ मटेरियल लेबर प्राइम कॉस्ट हमने पढ़ा था, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, सुन रहे हो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमेशा वेरिएबल होते हैं। और कॉमन सेंस भी लगाओगे अगर तो मटेरियल तो क्या होता है, वेरिएबल ही होता है ना, जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतना ज्यादा लेबर लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा वेरिएबल होते हैं, हाँ यानी फटाफट बोलो। हमने टोटल कितनी निकाली 445 लाख, हमको 60,000 के लिए निकालनी कि पर यूनिट निकालनी है, पर यूनिट, तो 445 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये 1 लाख यूनिट के लिए थी तो हमने पर यूनिट निकाल ली, ठीक है क्या। एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, सुन रहे हो क्या, सारे लोग अपने काम छोड़ के एक बात समझना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है सबके लिए और टोटल में चेंज होती है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम होती है लेकिन पर यूनिट में चेंज होती है। समझ आया कि कहावत टाइप की लग गई, समझो। यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, मुंडी उंडी छोड़ो, तुम लोग जड़े जड़े से मैं डर जाते हो, दिक्कत ये है, ठीक है क्या। मैं ये बना, मैं चॉकलेट बनाता हूं, क्या बनाता हूं, हर चॉकलेट में 2 रुपए की शक्कर डालता हूं, क्या डालता हूं 2 रुपए की, हर चॉकलेट में कितने रुपए की शक्कर डालता हूं, ये वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है, क्या है, क्यों फिक्स है, जितने यूनिट बनाते जाऊंगा हर उनमें 2-2 रुपए लगते जाएंगे,
तो ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। 2 रुपए की शक्कर डालता हूं एक चॉकलेट में, बोलो हाँ 10 चॉकलेट बनाए कितनी शक्कर की कर लगेगी? तो ये 2 रुपए क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल है कि फिक्स है? तुम लोग के कॉन्सेप्ट ही ले हुए। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन सुनो और गंदा मुंह बना के मत सुनो, समझी? वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? वो खर्चा जो आउटपुट के साथ बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट की खर्च क्या होती है? वो खर्च जो आउटपुट के साथ नहीं बढ़ता। यही तो पढ़ाया था, हर बच्चे को 200 रुपए की बुक देता हूं, मैंने बुक वाला एग्जाम्पल लिया था वेरिएबल कॉस्ट पढ़ाते समय, हर बच्चे को अगर 200 रुपए की बुक देता हूं, बताओ 200 रुपए क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल है। एक बच्चे को 200, दो बच्चे को 3, बच्चे का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 600। जो हर यूनिट के साथ टोटल में बढ़ती जाए वो कौन सी कॉस्ट है? भांग गांजा खा के आते हो क्या? नहीं समझ में आई बात की? आ गई। वो खर्चा, अब ये क्या है, एक चॉकलेट में 2 रुपए की शक्कर, 10 चॉकलेट बनाऊंगा तो कितना खर्चा होगा? 100 बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 200। 1000 बनाऊंगा तो 2000। लाख बनाऊंगा तो 2 लाख। ये वेरिएबल है कि फिक्स? लेकिन हर यूनिट में कितने की पड़ रही है? 2 रुपए की। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में क्या है? चेंजिंग। पर यूनिट में तो कितनी है? 2 रुपए। नहीं समझे? आया कि नहीं आया? मेरे पास एक बंदा आता है, कपड़े प्रेस करता है, उसको 2 रुपए पर शर्ट देता हूं, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है? हर शर्ट के 2 लगेंगे, जितनी शर्ट लगाता जाऊंगा कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल। टोटल में चेंजिंग, पर यूनिट में सेम। नहीं समझे? अब लेकिन एक बंदा आया जो मुझसे सैलरी लेता है 10,000 रुपए की और बोलता जितने कपड़े कराने करा लो, तो ये क्या है? एक शर्ट करी तो भी 10,000, दो शर्ट करी तो भी 10,000, तीन शर्ट करी तो भी 10,000, चार शर्ट करी तो भी 10,000, 10 शर्ट करी तो भी 10,000, 10,000 शर्ट करी तो भी कितनी? 10,000। हाँ या नहीं बताओ? तो फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या है? फिक्स। अभी सुनना, बात खत्म नहीं हुई है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बोलूं उसको कितने देता हूं, 10,000 कितने देता हूं, और मैंने उससे एक ही शर्ट कराई तो पर शर्ट का कितना हुआ? 10,000। और 2 शर्ट कराई तो पर शर्ट का कितना हुआ? 5,000। और उससे 10,000 शर्ट प्रेस करा ली तो पर शर्ट का कितना हुआ? 1 रुपए। फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या है? फिक्स। और पर यूनिट में क्या होती जा रही है? चेंज। नहीं समझ आ रहा है कि आ रहा है? मैं अगर सबको बोलूं, मैं अगर आईटेक्स को बोलूं मुझे सैलरी दो 2 लाख रुपए, कितनी सैलरी दो? 2 लाख रुपए, और कितने बच्चे पढ़वाओ तुम, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा? एक बच्चा पढ़ने आया तो आईटेक्स को पर बच्चे का खर्चा कितना पड़ेगा? 2 लाख, और टोटल कितना पड़ेगा? 2 लाख। अगर 2 बच्चे आ गए तो आईटेक्स को टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? 2 लाख। पर बच्चा कितना कितना पड़ेगा? 1 लाख। नहीं आ रही बात सर में? अगर 1 लाख बच्चे आ गए तो आईटेक्स को अभी भी खर्चा कितना पड़ेगा? 2 लाख। पर बच्चा खर्चा कितना हो जाएगा? 2 रुपए। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, हर बच्चे कितने हो जाएंगे? 2 रुपए। नहीं आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ? घूम गई, आई कि नहीं आई? तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल में क्या होती है? फिक्स। टोटल में क्या होती है? फिक्स। हाँ या नहीं? पर वो पर यूनिट में क्या होती है? चेंजिंग। नहीं समझ में आई? तो वही लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है, टोटल में चेंज होती है, इसलिए वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि टोटल में देखा जाता है। नाम जो पढ़ा है वो टोटल को देख के पढ़ा गया है, बोलो हाँ या नहीं? फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या रहती है? सेम, इसलिए उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, पर वो पर यूनिट में क्या होती है? चेंज। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? पक्का आ गया? प्रैक्टिकल में बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा तुम लोग को। शक्कर कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। क्या तुम ऐसा बोल सकती हो मैं एक चॉकलेट बनाऊंगी तो भी 10 किलो शक्कर डालूंगी, और 10 चॉकलेट बनाऊंगी तो भी 10 किलो शक्कर डालूंगी, और 1 लाख चॉकलेट में भी 10 किलो शक्कर डालूंगी, ऐसा कर पाओगी क्या? चॉकलेट ही नहीं बनेगी क्या? बस समझ में आ रही है? वो हर चॉकलेट के साथ रॉ मटेरियल क्या है, जितनी चॉकलेट बनाते जाओगे उतना खर्चा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता। किराया क्या है?
50,000 लगेगा। अब तू अपनी फैक्ट्री के अंदर एक चॉकलेट बना, 100 चॉकलेट बना, एक भी चॉकलेट मत बना, गरबा कर अंदर, लेकिन वो खर्चा तो 50,000 लगेगा। तो वो क्या हो गया, फिक्स। टोटल में क्या है, फिक्स 50,000। अब एक ही चॉकलेट बनी और 50,000 किराया दिया, तो एक चॉकलेट कितना हुआ, 50,000। और 50,000 चॉकलेट बना ली तो एक चॉकलेट कितना हुआ, 1 रुपए, क्योंकि टोटल में वो क्या है, फिक्स, और पर यूनिट में हमेशा कम होता जाएगा। नहीं आई क्या आई बात समझ में, समझ गए हो? जिंदगी की ना छूटे घड़ी लिख रहे थे तुम लोग। हाँ बच्चे डन। अब इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट के साथ किया हमने, देखो जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट तो सेम रहेगी, हाँ, तो हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट को प्लस किया, यानी कि किसको, 252 75 10, इसका 40%, इसका 20%, इसका 50%, पूरी वेरिएबल कॉस्ट को प्लस किया। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई थी, क्या आई थी, टोटल, उसको 1,00,000 से वो जितने यूनिट्स के लिए निकाली गई थी उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गई, पर यूनिट। ये क्या आ गई, पर यूनिट। ये तो पर यूनिट सेम रहेगी, हाँ। अब हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट निकाली, कितनी निकाली, 2 25 का 60%, 40 का 80%, 20 का 50%, क्या निकाली, फिक्स। अरे क्या निकाली, फिक्स कॉस्ट। नहीं समझ रहे हो, अरे यार नहीं आया। अब ये जो फिक्स कॉस्ट होगा ये तो फिक्स रहेगी सबके लिए, हाँ, तो ये 100 के लिए कितनी रहेगी, 1,00,000 के लिए कितनी रहेगी, उतनी। 60,000 के लिए भी कितनी रहेगी, उतनी। तो जो आया था कितना आया था हमारा, 4,295, कितना, नहीं सॉरी, 17,177,000, कितना आया था, 177,000। ये तो टोटल सेम है, 60,000 के लिए कितनी रहेगी, 177, पर हमको पर यूनिट निकालना, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 60,000, क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 60,000। आंसर आ गया हमारा कितना बेटा, 177 / 60,000 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 445, जो भी आया, 295, दोनों को प्लस कर दिया, 740 आ गया। हाँ थक गया मैं, चलो अगला पूछो। पर यूनिट निकालने के लिए एक काम करो, अच्छा रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको अपने हिसाब से करके बता दो मेरे को। चलो ये करके दिखाओ, फिक्स कॉस्ट 80,000 है फॉर 1,00,000 यूनिट्स, एंड वेरिएबल कॉस्ट 2,00,000 है फॉर 1,00,000 यूनिट्स, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दूं, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर 40,000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 80,000 फॉर 1,00,000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 2,00,000 फॉर 1,00,000 यूनिट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर 40,000 यूनिट्स, निकालनी पर यूनिट ही है।
पर यूनिट कितना आया मुझे बताओ, 4 की 2। आओ देखते हैं, अब ऐप को समझना पड़ेगा। देखो वेरिएबल कॉस्ट है, उसको एक बार टोटल और पर यूनिट यहां लिखता हूं मैं, ठीक है क्या? वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, 40,000 यूनिट्स के लिए। किसके लिए? अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मुझे बताओ, 2 लाख। कितने यूनिट के लिए? पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितनी हो जाएगी, तो पर यूनिट कितनी हो गई, 2 रुपए। फिक्स कॉस्ट को हमेशा टोटल में कैलकुलेट करना, फिक्स कॉस्ट कितनी है मुझे बताओ, और वो 40,000 यूनिट के लिए भी कितनी रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल में, 80,000। अब ये 80,000 कितने यूनिट्स के लिए, 1 लाख के लिए भी और 40 के लिए भी, हमको 40,000 पर यूनिट निकालना है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट 2, फिक्स कॉस्ट 2, तो टोटल कितना आ गया, 4 रुपए पर यूनिट। कितनों का सही आया था, यही आया था, आया नहीं आया? एक सुनो ना, इसको कॉमन सेंस से अगर सोचोगे ना तो एकदम कचरा चीज है। फिक्स कॉस्ट 1 लाख के लिए भी उतनी, 80,000 के लिए भी उतनी, 20,000 के लिए भी उतनी। तो जो मैं बोल रहा हूं 20,000 के लिए पर यूनिट निकालो, तो जो 1 लाख जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय जितने यूनिट के लिए निकालना है वो कर लो। हाँ, यानी 1 लाख मैंने बोला है 80,000 यूनिट के लिए फिक्स कॉस्ट, 1 लाख कितने यूनिट के लिए, 80,000। मैं बोलता हूं 20,000 के लिए निकालो, तो 20,000 के लिए भी कितनी रहेगी, 1 लाख। अभी 1 लाख है ना, 1 लाख है 80,000 यूनिट्स के लिए, तो 20,000 यूनिट्स के लिए भी कितनी रहेगी, 1 लाख। और 20,000 पर यूनिट निकालो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, यानी फिक्स कॉस्ट जो भी टोटल में उसको टोटल में लो, उसको काय में लो, टोटल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जिनके लिए निकालनी है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आएगी। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे, जितने यूनिट्स के लिए दी हुई है, क्योंकि वो पर यूनिट बाकी सबके लिए चेंज होती जाएगी टोटल में। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई है मुझे बताओ, 2 लाख। कितने यूनिट के लिए, 1 लाख के लिए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी पर यूनिट अगर कन्वर्ट करना है, पर यूनिट अगर कन्वर्ट कर, वेरिएबल कॉस्ट को उससे कन्वर्ट करोगे जिसके लिए वो दी हुई है, और फिक्स कॉस्ट को उससे करोगे जिसके लिए वो निकालनी है। नहीं आई बात समझ में? एक बार करके दिखाता हूं, समझो ध्यान से। फिक्स कॉस्ट फॉर 5 लाख यूनिट्स, या फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख, इज 5 लाख फॉर 10,000 यूनिट्स, हाँ या नहीं? कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर 50,000 यूनिट्स, कितनी आएगी बताओ? 5 लाख कितनी है 10,000 के लिए, तो 50,000 के लिए भी कितनी रहेगी, 5 लाख। और पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 कितना हो जाएगा,
ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, और अब मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट इज 7 लाख्स फॉर 10,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट इज 7 लाख फॉर 10,000 यूनिट्स। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर 50,000 यूनिट्स। आप 50,000 से कोई लेना देना है ही नहीं। 7 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 70। बोलो हाँ नहीं तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 10 मिला के कितना हो जाएगा? 80। नहीं समझे कि समझ गए? हाँ या ना फटाफट बोलो। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछो। कौन सा पूछ रहे हो? ट्वेंटी वन बन गया कि नहीं बना है? बोलो बच्चों, 21 किस किस को नहीं बना? जम के हाथ उठाओ दिल्ली से। हाँ एक के अलावा नवरी थी। 21 बन गया बेटा, गुड ठीक। बाकी और कौन पूछ लेना लेकिन याद से। हाँ फिर कौन सा? 24 बन गया। चलो 24 करा। कृति लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर ऑफ जनवरी टू मार्च। सेल्स पर यूनिट दिए, सेल्स एट द रेट 20 पर यूनिट, 1,000, 2,000, 3,000। क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं इतने इतने इतने। 20% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस 80%। द अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च विल बी। फेब्रवरी और मार्च को कितने डेटर्स हमको मिलेंगे ये बताना है हमको, ठीक है? क्या कुछ और दिया है उनने? ठीक है, तो सेल्स जनवरी कितनी है? 1,000 × 20,000 की। फरवरी और मार्च का बोला है ना उसने, तो चलो एक काम करो ऐसे कर लो ना। सेल्स कितनी है? 20,000 टोटल। बोलो हाँ या नहीं। इसमें क्रेडिट सेल्स कितनी है? 80%, तो कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000 में उसने क्लोजिंग डेटर्स कितने बोल दिए? 16,000, ठीक है। अपन को काय के लिए निकालना है? फेब्रवरी के लिए। फेब की सेल्स कितनी थी मुझे बताओ? 2,000 × 20 कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 का 80% कितना होगा? बोलो हाँ या नहीं। ओपनिंग डेटर्स कितने थे यहां पे? 16। ओपनिंग कितने थे? 16। साल के शुरू में मेरे को 16,000 मिलने थे ओपनिंग डेटर्स। प्लस क्रेडिट सेल्स कितने की करी? 32,000। हाँ या नहीं? यानी अब मुझे कितने मिलने चाहिए थे? 32 + 16 कितना होता है? 48,000। साल के महीने के अंत में मुझे अभी और कितने मिलने हैं? 40,000। यानी कितने मिल गए? 8,000। नहीं समझे? साल के शुरू में, महीने के शुरू में मुझे कितने मिलने थे? 16। मैंने 32 का माल और बेचा, 16 मिलने थे, 32 का माल और बेचा, तो टोटल कितने मिलने थे मुझे? 48। जबकि महीने के अंत में आप कितने बचे लेने? सिर्फ 40। यानी कितने मिल गए? 8,000। बोलो हाँ या नहीं। तो सीधे सीधे बोलूं, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स। हाँ यानी फटाफट बोलो। ओपनिंग था 16, क्रेडिट सेल्स था कितना? 32 - 40 तो कितना आ जाएगा? 8,000। हाँ यानी फटाफट बोलो। 8,000 किस में ऑप्शन है? फरवरी और मार्च, तो दो में है, बी और सी। बोलो हाँ या नहीं। अब ऐसी कर दो, ओपनिंग डेटर्स कितने हैं यहाँ के? 40। ओपनिंग कितने हैं? 40। क्रेडिट सेल्स ले लो कितना? क्रेडिट सेल्स 80%। 30,000 × 3,000 × 20 कितना हो जाएगा? 60। 60 का 80% कितना हो जाएगा? 48,000। हाँ माइनस क्लोजिंग, कितना है क्लोजिंग? सॉरी डिड यू गेट इट और नॉट? हाँ ना बोलो भाई। ये होता है तुम्हारा टोटल क्या बेटा? सी इज द आंसर। अगला ट्वेंटी थ्री
नॉट अ एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल. मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इफेक्टिव प्लानिंग, प्लान्ड अप्रोच फॉर एक्सपेंडिचर, क्रिएट नेसेसरी कंडीशंस फॉर सेटिंग अप स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा एंड रिप्रेजेंट्स ओनली एन इम्पर्सनल अप्रेजल टू कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी. डी होगा आंसर. चेक करो अच्छे से. मार्क कर लो, मेरे हिसाब से गलत दिया है. डी होना चाहिए आंसर. चलो और पूछो. फॉर अ डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज ढाई. स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कितना बेटा? ढाई पर आवर. एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोस. इतना 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 इतना. कैलकुलेट, अबे कैलकुलेट द नॉर्मल कैपेसिटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट. क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ना, हमको नॉर्मल कैपेसिटी लेवल निकालना है. ठीक है. फॉर अ डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना है बेटा? ढाई पर आवर. कितना है? उन्होंने बोला एक घंटे कितना खर्चा लगेगा? ढाई रुपए. ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोस. 10,000 3,000 के लिए, 18,000 7,000 के लिए और 26,000 11,000 के लिए. दस हजार डिवाइडेड बाय तीन करोगे तो तीन आएगा. 18,000 डिवाइड बाय सात करो. हाँ अबे 18,000 डिवाइड बाय 7,000 ना, डिवाइड बाय 7,000 बहन. ठीक है 2.57 और 26,000 डिवाइड बाय 11,000. आंसर हो जाएगा 7,000 आवर्स. क्या दिया हुआ है? आठ हजार दिया है. अच्छा एक सेकेंड, ये दिया इनने 8, 7, 6, 9. कैलसी देना एक सेकेंड. या एक सेकंड, मैं रख रहा हूँ अपने पास. बजट ओवरहेड कितना है? 10,000. कितना है? 10,000. कितने के लिए? 3,000 के लिए. और 7,000 के लिए कितना हो गया? 18,000. बात समझ में आ रही है? और 11,000 के लिए कितना हो गया? 26,000. पहले चेक करेंगे फिक्स या वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है. फिक्स तो दिख नहीं रहा. अब वेरिएबल चेक करो. 10,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 7,000 और यहां दिख रहा है 18,000. यानी वेरिएबल भी नहीं है. क्या है? सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करने का पड़ेगा फिक्स्ड और वेरिएबल में. कैसे करेंगे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स. कितना हो गया? 18 से 10 से कितना हो गया? 18. तो चेंज इन कॉस्ट कितना है? 8,000 डिवाइडेड बाय कितना है? 3 से 7. यानी कितना है? 4,000. तो 8,000 डिवाइड बाय 4,000 कितना हो गया? वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए. हाँ चेक करने के लिए सेकंड वाले में भी चेक करो. 18 से 26 कितने से बढ़ी है कॉस्ट? 26 माइनस 18. 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 2. हाँ अब फिक्स कॉस्ट निकालो. किसी भी एक लेवल को पकड़ो, 3,000 वाले को पकड़ो. तीन उसमें वेरिएबल कितनी है? 3,000 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 6. हाँ 3,000 2 इंटू कितनी हो जाएगी? 6. और बाकी कितना हो जाएगा? फिक्स कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 4. नहीं समझ में आया बेटा? ये समझाया था फिक्स और वेरिएबल में बाइफरकेशन करने का तरीका. पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, फिर इसको किसी एक में पुट करो, बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा? फिक्स. तुम्हारा 2 रुपए पर यूनिट आ गई थी. किसी भी एक लेवल पुट करो, किसी भी एक लेवल पे. मान के चलो मैं पहले वाले लेवल पुट करता हूं तो 3,000 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 6,000 क्या हो गई? वेरिएबल. 6,000 क्या हो गई? 10 में से 6 वेरिएबल. फिक्स कितनी होगी? 4. हाँ
अफिक्स सब में सेम आनी चाहिए, सेकंड में भी चेक कर लो, 7000 इंटू दो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 14, हाँ और 14 माइनस 18 कितनी हो जाएगी 4, अगले में भी चेक कर लो करना तो 11000 इंटू दो कितनी हो जाएगी 22 और ये कितनी हो गई 26, तो कितनी हो जाएगी 4, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 4 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 2 रुपए पर यूनिट। ये तो फिक्स और वेरिएबल का बाइफरकेशन हुआ है। हाँ अब कितने यूनिट्स में आंसर 2.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2.5। एक काम पहले तो शॉर्टकट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पुट करके देखो, क्या पुट करके देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन कितना है 8000 आवर्स कितना है, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 8000 इंटू दो 16, ठीक है 8000 इंटू दो कितनी होगी 16, 16 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, हाँ 20000 डिवाइडेड बाय, अब ये 20000 टोटल में आ गई, 20000 काय में आ गई टोटल में, पर यूनिट 20000 डिवाइड बाय 8000 चलो इसका इजी तरीका बता देता हूं। तुमने फिक्स और वेरिएबल बायफरकेट कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम रहने वाली है 2 रुपए, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती रहेगी, अबे अभी तो सिखाया, एक एक करके पुट करके देखते हैं, 8000 के लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 4000, 8000 घंटों के लिए कितनी हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 8000 कितनी हो जाएगी 0.5, ये क्या हो गई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, हाँ और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुमको पता है कितनी है 2, कितनी हो गई 2.5, कितनी हो गई 2.5, क्वेश्चन में बोला था 2.5 के बराबर कब होगी 8000 घंटे पे, नहीं समझे कि समझ गए, नहीं समझे फिर से बोल रहा हूं, सुन लो बहन सुन लो, दो में बायफरकेट करेंगे फिक्स और वेरिएबल में, ये कर लिया वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 2000, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 4000, अब हमको बोलना है, उसने बोला है 2.5 रुपए पर यूनिट कितने यूनिट्स के लिए निकाला है, 2.5 रुपए पर यूनिट कैसे आया, कितने घंटों के लिए आया ये बताओ, तो मुझे ये तो पता है पर यूनिट कितनी है 2 वेरिएबल, फिक्स को भी हर पर यूनिट में अलग अलग आएगी, मतलब 8 में भी 7 में भी 6 में भी और 9 में भी, सब में मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देख लेता हूं, जिसमें 2.5 आ जाए मतलब वो क्या हो जाएगा आंसर, वो क्या हो जाएगा आंसर, हाँ या नहीं, तो मैंने एक काम किया फिक्स कॉस्ट कितनी थी 4 डिवाइडेड बाय पर यूनिट किया तो कितना हो गया डिवाइड बाय 8000 कितना हो गया 0.5 और उसमें वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी कितनी हो गई 2 तो कितनी हो गई 2.5, अगला किसी और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर 2.5 नहीं आता तो फिर किसमें चेक करता, नौ किस जो अगला ऑप्शन है 7000 9000 6000 जो भी है, हाँ या ना फटाफट बोलो, हाँ और कितने डाउट्स बचे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं एक बार पिंकी मैम से पूछ के आऊंगी, वो क्लास लगा लेंगे आधे घंटे की, क्योंकि मेरी अगली क्लास है एक्चुअली, मैं बहुत देर तक और से ज्यादा कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा।